अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे आबद भाई हैं। ये इधर छत की मार्किंग कर रहे हैं लाइटिंग के लिए, तो अभी ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ये कैसे मार्किंग कर रहे हैं और ये लाइन डोरी वगैरह बांध रहे हैं ये वाली, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, ये सब आपको डिटेल बताएंगे। हाँ आबद। हाँ जी सर, सबसे पहले तो चाहिए हम लोगों को इसकी ड्राइंग चाहिए। सही है, सही है। फिर ड्राइंग पे उसने पूरी डायमेंशन दी हुई है। सही है, जिस तरह की लोकेशन दी है, यानी अभी मैं इस कमरे की आपको मार्किंग की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सही है। इसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए मार्किंग करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, कौन कौन सा मुस्मार चाहिए। सही है। मीटर चाहिए, लाइन डोरी चाहिए। ओके। और स्प्रे पेंट चाहिए। सही हो गया। सही। इसके बाद हमने मीटर से हैमर भी चाहिए और साथ में हैमर चाहिए। सही। अभी ये आबद भाई ने ये सारी मार्किंग की है, सारी ये लैंडोरी से लाइटिंग की मार्किंग की है ये पूरी छत की। अभी ये आपको एक कमरे की करके दिखाएंगे और बताएंगे ड्राइंग से कि कैसे ये पुमाइश लेती हैं और क्या हिसाब किताब होता है। आबद जी, आबद भाई ड्राइंग से बताएं कि कैसे करते हैं आप लोग, ड्राइंग को कैसे देखते हैं, ड्राइंग कैसे पकड़ते हैं। ड्राइंग देखें, पैर भाई इधर भी लिखी हुई है, वैसे भी लाइटिंग टाइप डी प्लस डी लिखा हुआ है। सही है। दूसरे नंबर पर मैं इस कमरे में हूँ अभी, ठीक है। इसके साथ एक टॉयलेट दे रहा है और एक छोटा सा कॉरिडोर दे रहा है। ओके, वेरी गुड। जो है आप इधर दिखा सकते हैं तो दिखा दें, तो ये दीवार भी है नज़र आ रही है इसकी, और ये छोटा सा कॉरिडोर है और ये हमाम है, ये टॉयलेट है। सही हो गया। अभी आप इधर आ जाएं इस कमरे में, इसने लोकेशन दी हुई है जिधर जिधर की, यानी डायमेंशन दी हुई है, यहाँ पे एक मीटर दे रहा है, फिर एक मीटर 5 सेंटी 5 मिली दे रहा है, फिर एक मीटर 5 सेंटी 5 मिली दे रहा है, और इसका जो सेंटर आ रहा है ये 1 मीटर 86 सेंटी 1 मिली दे रहा है, यानी दीवार से दीवार से। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये मैंने मीटर पकड़ा, 1 मीटर 86 सेंटी 1 मिली पे ये मेरा निशान आ गया। सही। 1 मीटर 86 सेंटी 1 मिली पे। सही। यहाँ पे अभी मैं मुस्मार मारूँगा, इधर आप एक मुस्मार अरबी में बोलते हैं। हाँ जी, उर्दू में कील बोलते हैं इसको, कील बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको नील बोलते हैं। हाँ, नील बोलते हैं इंग्लिश में। ये लाइन डोरी अभी मैं बांधूँगा इस साइड, इसलिए बांध रहा हूँ। आबद भाई, ये इसको सबको आप अरबी में बता दें कि क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि हम इधर सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं। तो ये तो स्प्रे पेंट ही बोलते हैं सर इसको, और इसको मुस्मार बोलते हैं। मुस्मार बोलते हैं। और ये हैमर है। हैमर को क्या बोलते हैं, शकुश। शकुश बोलते हैं। और ये हमारी लाइन डोरी है। सही है। इसको अरबी में क्या बोलते हैं, खेत। खेत बोलते हैं। अभी इधर से डायमेंशन आपने लेके लाइन डोरी बांधी, सेम उधर से भी लोगे। हाँ, कितना है ये, 1 मीटर 86 सेंटी 1 मिली है। हाँ सही है, इसलिए बांध रहे हैं ताकि लाइटें जो है सब एक जैसी है, सेंटर में आए। ये हो गया हमारी मार्किंग। ये पूरा सेंटर हो गया हमारा। अभी ये आपकी लाइनें एक लाइन में, लाइटें सब एक लाइन में आ जाएंगी। हाँ, इसलिए आपने लगाई है लाइन डोरी, तीन लाइटें ताकि एक ही लाइन में आ जाए। हाँ, इसलिए आपने लगाई। अभी लाइन डोरी का काम खत्म हो गया। हाँ, कील का भी खत्म हो गया और हैमर का भी। अभी आपने लाइटों की डायमेंशन देखनी है, जो पहली दे रहा है 1 मीटर पे, ठीक है, दीवार से। हाँ सही है। अभी मैं दीवार से 1 मीटर पे निशान लगाऊंगा। और यहाँ से एक, यहाँ से इधर अंदर वाली साइड से आपने 1 मीटर पे निशान लगाया। निशान लगाया, सही हो गया 1 मीटर। ओके ओके। अभी वो नेक्स्ट दे रहा है 1 मीटर 5 सेंटी 5 मिली। अच्छा, 1 मीटर 5 सेंटी 5 मिली, यानी लाइट से लाइट का फासला 1 मीटर 5 सेंटी 5 मिली है। इधर रोशनी है, रोशनी की वजह से वो नज़र नहीं आ रहा सही से ड्राइंग में। ये देखें, लाइट से लाइट का फासला 1 मीटर 5 सेंटी 5 मिली। सही है।
निशान लगा दिया। और तीसरा भी सेम 1.535 मीटर सही हो गया। यहाँ पर यानी के 3 लाइट्स आ रही हैं। अच्छा आबद भाई, ये आपने स्प्रे पेंट क्यों लगाया? ताकि इसके ऊपर बॉक्स लगाओगे अभी? जी, इसके ऊपर बॉक्स लगा के इनको आपस में लूप करोगे पाइप के साथ। जी जी, सही है। ओके आबद भाई, शुक्रिया। जब आप पाइपिंग करोगे तो आप आपकी फिर से यानी कि आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे कि पाइपिंग कैसे कर रहे हैं ये वो सब। हाँ हाँ, ओके, शुक्रिया आबद भाई।